हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये जो है जियो का फ़ोन है, इसमें सैमसंग की तरह प्रॉब्लम है। इसमें चार्जर लगाओ तब सेट ऑन होता है और ये चार्जर ना लगाओ तो सेट नहीं ऑन होता है। बैटरी हमारी चार्ज है और इसे हम जब ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है, और जब इसमें हम चार्जर लगा देते हैं तो ये सेट ऑन हो जाता है। दोस्तों, आपको दिखाते हैं। चलिए, ये देखिए, हमने बैटरी लगा लिया और बैटरी में हमारे चार्ज है, फिर भी हमारा सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हम आपको चेक करा देते हैं। ये हमने बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद हम फ़ोन को जो है ऑन करेंगे। इसमें सैमसंग की तरह सेम प्रॉब्लम है। सैमसंग 1200 इसमें जैसे इसमें चार्जिंग लगा के फ़ोन को ऑन करना पड़ता है, ऐसे ही ये सेट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सेट नहीं ऑन हो रहा है। अब इसमें हम चार्जर जो है लगाएंगे, चार्जिंग पे लगाएंगे इसको फ़ोन को, उसके बाद जब हम ऑन करेंगे तो ये सेट हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग होने लगा है, उसके बाद हम सेट को ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम ऑन करेंगे, चार्जर लगा के सेट को ऑन करेंगे तो हमारा जो है सेट ऑन हो जाएगा। ये देखिए, उसके बाद हम चार्जर निकाल भी लेंगे तो भी हमारा सेट ऑन रहेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों, चार्जर लगाने पे फ़ोन ऑन होता है और चार्जर नहीं लगाते हैं तो फ़ोन नहीं ऑन होता है, और एक बार चार्जर लगा के जब ऑन कर लेते हैं तो फ़ोन हमारा पूरी तरीके से चलता है। देखिए, हमने चार्जर को निकाल दिया, उसके बाद ही हमारा सेट जो है ऑन हो रहा है। ये पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा और चलेगा भी, लेकिन एक बार अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारा फ़ोन फिर दोबारा ऑन नहीं होता है, जब तक हम इसमें चार्ज पे नहीं लगाते हैं तब तक ये हमारा फ़ोन दोबारा चालू नहीं होगा। जब हम इसे चार्ज पे लगाएंगे तभी हमारा ये जो है सेट ऑन होगा। चलिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम हम जान लेते हैं। तो चलिए, टॉपिक पे जाने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखिए, ये हमारा सेट जो है पूरी तरीके से ऑन हो गया है। इसमें जब हम चार्जिंग पे लगाए हैं तभी हमारा सेट ऑन हुआ है, चार्जिंग पे नहीं लगाते तो हमारा सेट नहीं ऑन होता। चलिए, इसका प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कहाँ से है। चलिए, हम बैटरी को निकाल लेते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम जानने के लिए वीडियो जो है लास्ट तक देखें, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, कोई भी वीडियो जो है वीडियो स्किप मत करें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये देखिए पीले पीले रंग का यहाँ से सब कुछ मतलब निकाला हुआ है, और ये देखिए पीले रंग का जो यहाँ पे टिप्स जो होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पॉइंट जो है इसका, ये देखिए ये दोनों पॉइंट को हमें आपस में शार्ट करना है। नीचे ऊपर जो ये देखिए ये और ये, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में शार्ट कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। चलिए, हम यहाँ पर एक जम्पर लगा देते हैं, जम्पर लगा के अपने फ़ोन को हम चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, आयरन रोल के सहारा से हम दोनों पॉइंट जो नीचे और ऊपर की तरफ दोनों पॉइंट है, दोनों टिप्स हैं, इन दोनों को आपस में हम शार्ट कर देंगे। ये देखिए, हमने शार्ट कर दिया। चलिए, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने नीचे ऊपर इन दोनों को हम शार्ट कर दिया। ये देखिए, अब शार्ट करने के बाद हम इसे जो है ऑन करेंगे और बिना चार्जर लगाए इसको हम ऑन करेंगे, देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। चलिए, हमने बैटरी को लगा लिया, अब हम सेट को ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेट जो है ऑन हो गया है, इसमें हमने चार्जर नहीं लगाया है और हमारा सेट ये जो है ऑन होने लगा। अब यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को जो है शार्ट करना है। चलिए, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। नीचे ऊपर जो पॉइंट है, इन दोनों को आपस में हम शार्ट कर देंगे, हमारा जो है प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए,